हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का मेरे चैनल जूली की जहान पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज मैं एक फेस रेमेडी, और बहुत अमेजिंग रेमेडी है। तो उस रेमेडी को अगर आप लोग लगा रहे हैं तो आपके फेस पे जो भी छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं या टैनिंग हो गई है, अभी धूप इतनी तेज़ होने लगी है, अब तो टैनिंग हर जगह हो जाती है, क्योंकि आप बाहर जाने से अपने आप को रोक नहीं सकते हो, क्योंकि आपको काम है तो आप बाहर जाओगे ही, बाहर जाओगे तो टैनिंग होगी। तो इस वजह से आप लोग टैनिंग कैसे घर पे रह के यूज़ कर सकते हैं, किचन के दो चार चीज़ों मिला के उसको यूज़ करके आप लोग 7 डे या 5 डे के अंदर ये रिजल्ट देखने लगेंगे, जो बहुत सारे टैनिंग आपके फेस से हट गया है। उस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है, क्या है वो चीज़ें, मैं आप लोग से शेयर करूँगी। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेमेडी को, और इस रेमेडी को ट्राई करने पे आप लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, और बहुत अच्छा आपकी स्किन हो जाएगी। ओपन पोर्स भी होते हैं नाक के नीचे, जो बहुत सारे ऑयल आ रही है या बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है फेस पे, ब्लैक कहीं ब्लैक कहीं वाइट हो जा रहे हैं फेस। आप कितना भी मास्क या कितना भी अपने फेस को कवर कर सकते हो, बट फिर भी आपको टैनिंग हर जगह थोड़ी न थोड़ी हो जाएगी। इस रेमेडी को लगाने से आपके फेस पे बहुत अच्छी ग्लो और शाइन रहेगी, उसके बाद भी आपके फेस बहुत अच्छे चमकदार दिखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उसमें क्या क्या, और आपको इसके फ़ायदे भी बताऊँगी जो ये कैसे आपको फ़ायदे देती हैं। चलिए वीडियो, मैं आपके पास अगर दही हो तो दही लीजिए, या मलाई हो तो मलाई, आराम से आप आधा चम्मच के इक्वल में मलाई या दही, मेरे पास मलाई था तो मैंने मलाई लिया। मलाई होगा तो आपकी स्किन को ग्लोइंग और शाइनिंग बनाएगा, मलाई या दही आपकी स्किन को ग्लोइंग शाइनिंग, और ज़रा भी आपके फेस से लाइट नहीं कमेगी। एक होता है आपके फेस अच्छे दिख रहे हैं फिर भी वो शाइन नहीं दिखता है, वो सारी प्रॉब्लम से मलाई आपको। और ये आपका है ऑरेंज, ऑरेंज के छिलके से मैंने बनाया है, ये एक वीडियो में मैंने दिखाया है जो कैसे बनाना है नहीं बनाना। ऑरेंज के छिलके से आप उसको लीजिए, और सूखा ऑरेंज को लेके सूखा लीजिए, सूखने के बाद उसको थोड़े से हाथों से दबा के तोड़ दीजिए, एकदम से मिक्सी में मत डालिए क्योंकि आपकी मिक्सी भी टूट सकती है। तो उसको लेके तोड़ लीजिए और मिक्सी में डाल के चला लीजिए, छन्नी से छान लीजिए, क्योंकि आपके बहुत मोटे मोटे कण रह जाते हैं कितना भी आप करें। तो 2-4 बार करके ऐसे एक चम्मच मैंने ये लिया ऑरेंज के छिलके। ऑरेंज आपके स्किन को विटामिन ई होता है ऑरेंज में, जो वो आपकी स्किन को हेल्दी रखने में प्रोवाइड करती है, और बहुत स्मूथ ऑरेंज आप गर्मी के दिन में खा भी सकते हो, बट आपकी स्किन पर लगा रहे हो तो डायरेक्ट आपके फेस पर अच्छा रिजल्ट देगा है। तो ज़रूर आप लोग ये ट्राई करें। और ये मैंने देख लीजिए इस तरह से बॉक्सेस में मैंने बना बना के रखा है, क्योंकि मैं अप्लाई करती रहती हूँ, तो इस वजह से मैं ये नहीं कि आपके लिए इतना सा पीस के या रख ली और देख लीजिए। मैं हर हफ्ते यूज़ करती रहती हूँ, हर 2-3 दिन पे अप्लाई करती हूँ, तो इस वजह से मैं हमेशा। और आधा चम्मच मैंने ये मसूर की दाल है, मसूर की दाल को भी धूप में अच्छे तरीके से सुखा लीजिए, उसको भी पीस लीजिए अच्छे से। अब पीसने के बाद आप उसको मिक्सी में पीसने के बाद आप उसको छान लीजिए, क्योंकि इस सब में भी होते कितना भी आप पीस लो फिर भी मोटी मोटी कण होते, जो आपको अगर आपको इस मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप लगा रहे हो थोड़ी भी मसाज करें तो थोड़ा ड्राई हो जाएगा, तो आप छान लीजिएगा। तो उससे छानने के बाद भी देखिए इसमें थोड़ा दरदरापन रहता है, देख लीजिए दरदरापन है, क्योंकि ये दरदरा रहेगा तभी आप अच्छे क्लिनजिंग मॉइस्चराइज़र, और आपको बहुत अच्छा आपके फेस बहुत क्लीन करेंगे, बहुत हेल्दी रखेंगे, और बहुत डार्क जो भी है टैनिंग जो भी है दूर करेंगे। आप लोग को बिलीव नहीं हो रहा तो सिर्फ आप लोग लगातार 3-4 दिन करके देखिए, आप लोग के फेस पे ऑटोमेटिक आप लोग को रिजल्ट दिख जाएगा। तो उसको ले देख लीजिए, मैंने तीनों को मिक्स कर दिया है, धूप की वजह से थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो इसको और मैं थोड़ा सा मिक्स करने के लिए और एलोवेरा जेल दे रही हूँ, तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा ये सारे। अगर आपके थोड़े ड्राई हो तो पानी डाल सकते हैं, अगर गुलाब जल है तो गुलाब जल, क्योंकि मेरे मिक्स नहीं हुए हैं, या दूध डाल सकते हैं, तो जो आपको लगे। आप मिल्क वाला प्रोडक्ट यूज़ करें, मिल्क बॉडी लोशन, मिल्क शैम्पू, मिल्क साबुन, ये सब यूज़ करें, बट आप मिल्क वाली चीज़ें यूज़ करो तो वो देखो कितने फ़ायदेमंद करें। मिल्क वाले प्रोडक्ट देख के ऐड देख के आप ले रहे हो, कुछ दिन लगेगा अरे यार बहुत स्मूथ है, फिर स्किन वैसी ही हो जाएगी।
तो वो सारी झंझट से आप लोग छुटकारा पा जाइएगा अगर ये यूज़ कीजिएगा अपने फेस पे। बहुत बहुत ग्लोइंग देख लीजिए मेरी स्किन, बट थोड़ी थोड़ी मुझे अभी बाहर जाना पड़ा तो टैनिंग रह जा रही है यहाँ। अब कवर कर लो फिर भी थोड़ी सी दो, और नाक के पास जो जिसके ओपन से है, ब्लैक सेड है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं भी डार्क सर्कल आ जा रहा है या ब्लैक कोई भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम की सोल्यूशन ये है। तो आप लोग जरूर, मैं थोड़ा सा गुलाब जल डाल दे रही हूँ, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। मैंने सब मिक्स कर दी हूँ, अब इसको मिला ले रही हूँ अच्छे से 2-3 मिनट। अब थोड़ा देर आप मिक्स करके थोड़ा देर 1 मिनट या 2 मिनट के लिए आप छोड़ भी सकते हैं। देख लीजिए कैसा पेस्ट बन गया। तो बस 3 चीज़ डाला मैंने, क्या, एक ऑरेंज के छिलके से और मसूर दाल और छाली, बस डाल के और मिक्स करती हूँ। पानी डाल के अच्छे से मिला दीजिए 1 मिनट के लिए छोड़ के, उसके बाद आप यूज़ कीजिए। इतना अच्छा फेस दिखेगा, इतना स्मूदनिंग, जो आप हम ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग खुद ही जो ये कैसा रेमेडी रहा। बस लगातार 5 या 10 मिनट के का ये प्रोसेस रहेगा आपका, 5 मिनट आप लगा लीजिए, 5 मिनट सूखने दीजिए, उसके बाद धो लीजिए, बस उसको कुछ नहीं करना है, कोई झंझट वाली बातें नहीं। तो मैं थोड़ा देर के लिए रख दे रही हूँ, फिर मिलती हूँ 1 मिनट के बाद आप लोग से। तो मेरा रेमेडी अभी फूल चुका है, 1 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं पहले क्या कीजिए आप, मैं तो अभी फेस वॉश करके रखी हूँ, तो फेस वॉश पहले फेस को अच्छे से, अगर आपने मेकअप लगाया तो मेकअप सारा हटा लीजिए, वाइप्स कर लीजिए, उसके बाद फेस को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप ये रेमेडी अप्लाई कीजिए फिंगर की हेल्प से अच्छे तरीके से, जहाँ जहाँ आपको लगे हल्का हल्का लगा लीजिए, एक पतली सी लेयर पहले लगा लीजिए, और टाइम देके, थोड़ा सा टाइम देके, हल्का हल्का पहले पतली लेयर लगा के और टाइम दीजिए इस तरह से। उससे क्या होगा, आपको मसाज हो जाएगा, क्योंकि अभी आपकी जो भी पोर्स हैं वो ओपन होने के बाद आप उसको मसाज करिए तो सारे डॉट निकल जाएंगे, ब्लैक हेड सारे निकल जाएंगे, सारे टैनिंग हट जाएंगे। आप मसाज जरूर कीजिए थोड़ा सा, कम से कम हो सके तो 1 मिनट के लिए तो आप टाइम देख ही सकती हैं अपनी स्किन को। देख लीजिए इस तरह, आप आँख के ऊपर भी लगा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। गर्मी के दिनों तो आपको ठंडा ही लगेगा। देख लीजिए थोड़ा थोड़ा जो दाल का और मसूर, मसूर की दाल का दरदरापन है, उससे आपके सारे ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मसाज कीजिए जेंटली, हल्की हल्की हाथों से, आप नेक पे भी अप्लाई कर सकती हैं हल्के हल्के हाथों से इस तरह से। पहले मसाज कर लीजिए, पतली लेयर लगा के मसाज कर लीजिए, और उसके बाद एक मोटी सी अच्छी वाली लेयर लगा लीजिए, आप अपने घर के सारे काम कीजिए, फिर आपको 5 मिनट के बाद आपका फेस सूख जाएगा, आप पानी से वॉश कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, बस 3 स्टेप में आपकी स्किन ग्लोइंग एंड शाइनिंग दिखेगी, इससे ज़्यादा क्या चाहिए हम लोग को। हाँ, 3 चीज़ लगाने से, आपके 3 स्टेप करने से आपकी स्किन ग्लोइंग और शाइनिंग दिखेगी। तो इस तरह से अप्लाई कीजिए इस तरह, और मसाज भी जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग को ज़रूर वैसे ही कीजिए, सारे डॉट निकल जाएंगे, सारे जो भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स का एक सलूशन है। और अगर आप लोग को वीडियो देखने के बाद रिजल्ट अच्छा सा है तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा आपका रिजल्ट कैसा है। देख लीजिए जेंडरली हाथों से, बस इसी मोशन में, ये फिंगर से इससे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बस इस तरह इससे करना, जो आपके नेल ना लग जाए स्किन पे। हल्के हल्के जेंडरली हल्के हल्के हाथों से मसाज किए। आप लगाए जो भी हो चीज़ें, वो मसाज करने से आपके निकल रहे हैं, ये होता है। तो मैं अब मसाज हो चुका है, अब बढ़िया वाला मोटा सा लेयर लगा दे रही हूँ, और आँख बंद करके सो जाइए 5 मिनट के लिए, या आपके पास काम है तो आप काम कर लीजिए। देख लीजिए
आप अपने लिप को भी मसाज कर सकते हैं। बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना अच्छे से बनाए हैं अच्छे से फेस पे हैंड पे सारे जगह आपको जहाँ जहाँ टैनिंग लग रही है ब्लैक लग रहे हैं वहाँ आराम से करिए और आराम से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। बस 5 मिनट के लिए छोड़ना है और उसके बाद आपको अच्छे से फेस को वॉश करना है। तो मैं 5 मिनट छोड़ के फेस वॉश करके मिलती हूँ आप लोग से। देख लीजिए मेरे फेस सूख गए हैं, अब पहले वॉश करके मैं मिलती हूँ आप लोग से और बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे आप लोग को खुद ब खुद। देख लीजिए स्किन कितनी चमकदार लग रही है, लग रहा है मेरा स्किन पे पूरा चमक, वो जो मलाई और स्किन उससे जो स्किन एकदम स्मूथ लग रही है, मलाई से आपका स्किन बहुत स्मूथ लगेगा, कोई मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं लगेगी, लगेगा आपका फिर कितना मतलब ड्राई ड्राई सा एक फेस होता है, खिंचा खिंचा सा रूखा सा, वो सारी चीज़ें की प्रॉब्लम एक बार अगर आप यूज़ कर लेंगे और इसके इस्तेमाल करने के बाद अगर आप कहीं कूलर के या कहीं भी आप फैन के नीचे बैठ रहे हैं तो लगेगा कि इतना ठंडा ठंडा आ रहा है फेस, पूरी बॉडी का ही नहीं हॉट रहे बट फेस बहुत कूल लगेगा, फील होगा, क्यों ये बहुत आपके फेस को ठंडा और नमी पहुँचाता है, इस वजह से आपके फेस बहुत, देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है फेस। आप जहाँ आपकी टैनिंग है, ब्लैक हेड है, जहाँ भी प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल है, जो भी प्रॉब्लम है फेस की, सारी प्रॉब्लम से एक होता है ना स्किन लूज सी हो जा रही है तो वो सारी प्रॉब्लम भी हट जाएगी, कोई स्किन लूज नहीं दिखेगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लीजिए स्किन देख ली, बहुत अमेजिंग स्किन। अगर आप लोग को चाहिए तो ये रेमेडी आप ज़रूर कीजिए और आप लोग को रिज़ल्ट 5 दिन के अंदर नहीं दिखेगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट आके जो हाँ ये दीदी आपने कैसा रिज़ल्ट दे दिया था जो अच्छा नहीं लगा। अगर आपकी स्किन ड्राई अगर है, रूखी सी बेजान सी है, बहुत सारे टैनिंग आ गए हैं तो ये सारी प्रॉब्लम से आपको नहीं छुटकारा मिला तो बताइए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है। और अच्छे से फेस को वॉश करने के बाद आप गुलाब जल हो, मैंने गुलाब जल को इसमें स्प्रे वाले बॉटल से, मुझे लगाना पसंद है तो मैंने स्प्रे वाले बॉटल में डाल दिया, अच्छे तरीके से गुलाब जल को अपने फेस पे अप्लाई कीजिए, अमेजिंग बहुत, देखिए पानी कैसे गुलाब जल कैसे स्किन से फिसल रहा है, स्किन आप देख लीजिए अमेजिंग स्किन मिलती है। सारे ओपन पोर्स जो भी हैं उसमें जाने के बाद गुलाब जल एक अच्छा सा इफेक्ट देगा आपके, क्योंकि आपने जो डॉट निकाले हैं वहाँ फिल करने के लिए ये गुलाब जल बेटर है। तो ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके और जूली के जहान को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और बहुत सारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए, अगर वीडियो में ज़रा भी फ़ायदा करिए तो ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर को ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेमेडी के साथ और टिल देन बाय बाय, जूली के जहान को बहुत सारा प्यार दीजिए, बाय।